हेलो एव दिस इज सचिन राणा फ्रॉम आईटी बॉम्बे है वेलकम टू माय न्यू वीडियो बहुत टाइम बाद अब हम स्टार्ट करेंगे आई यू के साथ अभी तक हम लोगों ने कार्बोनलिस्ट तक कर लिया है कार्बोनल्स के दो तीन लेक्चर रह रहे हैं वो मैं डालूंगा आई के बीच के अंदर ही बिकॉज इलेवंथ वाले बिल्कुल पीछे पढ़ चुके हैं कि आई यूपीएससी नाम क्लेचर पढ़वा दीजिए ठीक है बिल्कुल जी मेल इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह पहुंच चुके हैं वो लोग ठीक है तो आज हम आयू पी एस सी के साथ स्टार्ट करेंगे वन सेकेंड मैं बता रहा हूँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आई यू पी एस सी नामचर ऑफ एल्स एल्स एंड एलकाइंस लेक्चर नंबर वन के अंदर ठीक है यहाँ पे अगर मैं प्री रिक्वाइज की बात करूँ तो वो रहेगा कि आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के चार बॉन्ड्स बन सकते हैं नहीं पता था तो वो मैंने अभी आपको बता दिया तो प्री रिक्वाज भी मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है अब जो भी रूल्स होंगे वो हम सारे जो लेटेस्ट आई रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे जो गोल्डन बुक होती है जो प्रॉपरली जो फॉलो की जाती है किसी का भी नामकरण करने के लिए जिसको हम बोलते हैं कंपेंडियम ऑफ केमिकल टर्मिनोलॉजी ठीक है कॉमन सी बात है यार आई यू पी एसी नॉमिकलेचर क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च कर रहे हो लेट मी से इंडिया में फ्यूचर so में अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो तो आपको चाहिए ना कि उस कंपाउंड का नाम सेम रहे ठीक है आप बोलोगे भाई फॉर एग्जाम्पल गोल्ड आपको सिल्वर पकड़ा दे उस आईयूबीचर तो बनाया गया तो आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे एलकेन, एलकेन 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 के उपर, बुक्स क्या फॉलो करनी है वो मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में पहले उसको ज्वाइन कर लो सारा होमवर्क वहीं दिया जाता है बुक का लिंक भी पिंड है जो एमस्टॉन कौन सी एडिशन फॉलो करनी है होमवर्क के लिए साथ में जो शीट्स हैं वो भी वहीं पे दी जाती हैं स्टार्ट करें फिर मेरे हिसाब से सब तैयार हैं ठीक है बहुत समय बाद कर रहे हैं हम तो आज का टॉपिक है एल के एंड एल्काइन का नॉमन क्लेचर बहुत सारी गलत फहमी भी आज आपकी क्लियर होंगी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी अल्ट्रा एडवांस लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं नॉमन की बात करूँ जो आई यू पी होता है वन सगेंड आई यू की बात हो रही है कॉमन की बात नहीं हो रही है आई यू पी ठीक है तो उसको हम लोग किसी भी कंपाउंड के लिए दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो कोई भी रैंडम कंपाउंड आप उठा लो उसका नॉम्क्लेचर हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं ठीक है सबसे पहले जैसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रीफिक्स प्रीफिक्स इंग्लिश में पहले प्रीफिक्स आता है लास्ट में क्या आता है सफिक्स बीच में जो हम ऑर्गेनिक में यहां पे यूज करेंगे साइंस में यूज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट क्या बोलते हैं भाई साहब वर्ड रूट इन सब का मतलब अभी हम बहुत डिटेल के अंदर समझने वाले हैं ठीक है मुझे पता है यहाँ पे बहुत से लोग गार्डन में घूमने वाले हैं गार्डन में घूमने वाले बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं मत बनिए कॉपी लेके प्रॉपरली जैसे मैंने आपको बताया है नोट्स की प्रॉपर कॉपी मेंटेन होनी चाहिए होमवर्क की अलग कॉपी मेंटेन होनी चाहिए एंड में आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा जो कंपाउंडिंग के द्वारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा ओके okay, प्रीफिक्स दो प्रकार का होता है ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये भी हमने स्टार्ट किया है ना तो जैसे प्रीफेस नहीं होता है किसी भी चैप्टर का वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं तो प्रीफिक्स भी दो प्रकार का होता है एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स सिमिलरली जो सफिक्स है वो भी दो प्रकार का होता है एक होता है प्राइमरी सफिक्स दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स ठीक है तो सबसे पहले ये सब नोट्स के अंदर एक बार लिख लीजिए इस सबको नोट्स के अंदर लिख लीजिए अब सबसे पहले जो मैं फोकस करूँगा वो मैं प्रीफिक्स या सफिक्स के ऊपर नहीं करूंगा वो मैं करूँगा वर्ड रूट के ऊपर आप बोलोगे क्यों अभी आपको अगले पेज पे पता चलेगा ठीक है तो हेडिंग डाल लीजिए जो आज का जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है उसका नाम है वर्ड रूट वर्ड रूट नाम से समझ आ रहा है क्या हो सकता है कुछ भी नहीं है अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन की प्रिंसिपल चेन में प्रिंसिपल चेन क्या है वो मैं अभी बताऊंगा तो उससे पहले नंबर ऑफ कार्बन हम लोग देख लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई टेंथ में भी तो आपने आई यू सुना ही है ना अगर पढ़ा भी नहीं है तो सुना तो है ना मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सब सुना होगा वही है तो अगर मैं बोलता हूं कि एक कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं वर्ड रूट में मिथ या मेथ डिपेंडिंग ऑन वॉट यू आर अप टू। उसके बाद आपके पास है टू कार्बन टू कार्बन होता है इथ इथेन उस प्रकार से तीन कार्बन के लिए होता है प्रोप, अब समझ आ रहे मैं अब आपको याद आ रहा होगा भाई साहब ये तो फ्लैश बैक्स फोर कार्बन वाला हो जाता है भ्यूट। भ्यूट मतलब चार फाइव वाला होता है भाई साहब पेंट सिक्स कार्बन वाला होता है सेवन वाला होता है हेप्ट कुछ लोग बोल रहे होंगे सी 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 क्या लिखा है प्लीज अंडरस्टैंड कुछ लोग जैसे सोच रहे होंगे ना भाई उनके आसपास जो मॉल्स होते हैं कुछ होते हैं आपने देखा नहीं फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन डी एट डी ठीक है 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, उस प्रकार के डायमेंशन आपने देखी होंगी तो सी मतलब ये नहीं है जो आप खुद को समझते हो सी मतलब होता है कार्बन सी मीन्स कार्बन एट कार्बन में हो जाए तो वो हो जाएगा ऑक्ट नाइन कार्बन नॉन ये सब आपने इनऑर्गेनिक के पीरियोडिक में भी पढ़ के रखा है कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं टेन में हो जाएगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती है जब आएगा तो हम देखते रहेंगे साथ साथ में क्वेश्चन क्वेश्चन बनाने हो तो तो मैं ऐसे ऐसे कुछ भी बना दू आपके लिए तो वो मैटर नहीं करता है ठीक है भी हम आपको कराएंगे, आपको कराएंगे पता चलेगा किस लेवल के आते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा समझ आ रहा है तो वर्ड रूट बोलने का ये मतलब होता है तो डेफिनेशन लिख लीजिए सबसे पहले प्लीज डेफिनेशन लिख लीजिए लॉजिक हमें समझ आ गया है डेफिनेशन लिख लीजिए बिकॉज नोटबुक भी तो भरनी है वर्ड रूट मीन्स वर्ड रूट मीन्स द नंबर ऑफ कार्बन द नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन वर्ड रूट मीन्स द नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन अब ये प्रिंसिपल चेन क्या है आएंगे सब बिल्कुल बेसिक्स एडवांस तो तक जाते हैं जो पहले से पढ़ चुके होंगे तो पता ही है किस लेवल पे हम जाएंगे बस ऐसे बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे ठीक है लिख लिया सभी ने तो हमें वर्ड रूट तो समझ आ गया अब ऑब्वियसली हमें पढ़ना है प्रीफिक्स एवं सफिक्स तो आइए सबसे पहले सफिक्स को समझते हैं ठीक है तो लिखिए प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफेक्स ठीक है देखिए इसके अंदर इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स इफ द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इट रिप्रेजेंट्स इफ द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब क्या है देखिए भाई अनसैचुरेशन क्या होता है देखना एल्केन, जो आज हम पढ़ने वाले वही है ये। अब देखो, जैसे मैं बोलूंगा, मिथेन, आगे समझ, तो मिथ क्या हो गया? आपके पास वर्ड रूट एन क्या हो गया सफिक्स। आगे मैंने बोला इथिन इत प्रोप तो एन, एन, आ रहा है वो सब क्या है प्राइमरी सफिक्स तो लिख लीजिए इसके अंदर पहले देख लीजिए फिर लिखना एलकेन तो एल्केन के लिए प्राइमरी सफिक्स होता है एन क्या होता है एन अगर मैं एलकीन बोलू तो एलकीन होता है हैल्काइन के लिए जैसे आपने सुना होगा इथाइन प्रोपाइन वो सब नहीं भी सुना है तो आप सुन लोगे आइन ठीक है अब ये सैचुरेशन अन समझाता हूं ठीक है वैसे तो सुना ही होगा नहीं भी सुना है तो अभी बता ही रहा हूं ठीक है तो तो में भी बताया जाता है ये सब एनसीआर लेवल पे भी ओके okay, एन वाला क्या है वो है वो रिप्रेजेंट करता सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिथेन इथेन प्रोपीन ये सब सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं तो ये सब किसके अंदर आते हैं ये आते हैं सैचुरेशन के अंदर किसके अंदर सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है जैसे अगर मैं लीनियर कंपाउंड्स की बात करूं तो वहां पे, पे नहीं जा रहे हैं न, अभी हम एल्काइन कर रहे हैं cyclo -alkyn, cyclo -alkyn वाला पार्ट ठीक है तो अगर लीनियर कंपाउंड हो वहां पर पाई बॉन्ड्स का जो प्रेजेंस होता है वो इंडिकेट करता है अनसेचुरेशन ठीक है ये कौन सा होता है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये कौन सा होता है ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ठीक है तो लिख लीजिए इस पेज को तो अभी हमने क्या समझा अभी हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में ढंग से समझ लिया है कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है क्या होता है प्राइमरी सफिक्स ऑफ इसी बात है सेकेंडरी पढ़ना पड़ेगा तो इसके अंदर लिख लीजिए सेकेंडरी सफिक्स लेटर ऑन सब टाइम आने पे हम ढंग से बताते हैं ऐसा नहीं बाकी टीचर से करते हैं स्टार्टिंग में इतनी थ्योरी आप पे फेंक देंगे ठीक है आप उसके बोझ तले दब जाओगे फिर बोलोगे चैप्टर इतना घटिया नहीं जब आएगा तब पढ़ाएंगे अभी आज के लेक्चर में आना ही नहीं है तो आज क्यों पढ़ाएं जब अगले लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे तब पढ़ाएंगे ठीक है तो उसके लिख लीजिए लेटर ऑन लेटर ऑन जैसे एक एग्जाम्पल दे के बता दू एग्जाम्पल समझना ज्यादा आसान होता है थ्योरी को आपने सुना ही होगा और बात बहुत सारे लोगों का तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी होगा ये इथेनॉल इथेनॉल इसको रेड कलर से लिखते हैं रेड लेबल करने के लिए तो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच चाय की बात हो रही है रेड लेबल में चाय की बात जस्ट फॉर लीगल पर्पसेस तो इथेनॉल में क्या हो रहा है कैसे ये नाम बना समझ आ रहा है कुछ इथेन होगा या उसको भी मैं तोडूं? तो इथ प्लस एन प्लस ऑल लो भाई आपको समझा दिया मैंने हवा हवा में आएंगे इसके ऊपर लेकिन समझने के लिए ये क्या है वर्ड रूट ये क्या हो गया भाई साहब अभी बताया प्राइमरी सफिक्स इसके बाद जो आएगा वो होगा सेकेंडरी बस तो ये जो है वो है सेकेंडरी सफिक्स तो ये आज आना ही नहीं है अगले लेक्चर में हम ढंग से करेंगे इसको ठीक है तो लिख सकते हो आप अभी इसको वो मत लिखना उसको लिख के काट दीजिए बिकॉज ये रफ वर्क में आ रहा है ठीक है तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है आपको कि हम क्या करने वाले हैं अब चलते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ लिया हमने ये तीनों पढ़ लिया किसी भी दुनिया में किसी भी कंपाउंड का नॉर्मन करना है उसका जो एक समरी है उसको हम इसमें बांट सकते हैं सिंपल सिंपल एज एज दैट दैट ठीक है ये यूनिवर्स है बेसिकली यूनिवर्स तो में आप किसी कोई भी सोलर सिस्टम उठा लो एट द एंड ऑफ द डे वो यूनिवर्स के अंदर ही आएगा ठीक है अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि पैरल यूनिवर्सिस नहीं है ओके okay, आगे चलें फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट अब चलते हैं प्रीफिक्स के ऊपर हेडिंग डाल लीजिए ध्यान से देखना ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा है प्राइमरी नहीं लिखा है सेकेंडरी लिखा है इसका रीजन भी आपको पता चलेगा कि प्राइमरी में क्या होता है जब मैं हिंट दूंगा ठीक है तो अगर मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन को क्या रिप्रेजेंट करता है सब्सटीट्यूएंट या साइड चेन को तो इसको पढ़ने से पहले एक बार हम प्रिंसिपल चेन की डेफिनेशन लिख लेते हैं ठीक है प्रिंसिपल चेन प्रिंसिपल चेन नाम से समझ आ रहा है प्रिंसिपल मतलब जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना वही वाली स्पेलिंग है ध्यान से देखना ठीक है तो प्रिंसिपल मतलब सबसे हाईएस्ट जो रैंक्ड है वो ठीक है प्रिंसिपल लिखिए इसके अंदर तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलकेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एलकिन्स एलकाइन्स के ऊपर भी आएंगे पहले एल्किन पढ़ेंगे फिर एल्काइन फिर एल्काइन फिर कल हम पढ़ेंगे एल्कल हेलाइट्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स मेरी एक सीरीज बनी होती है भाई आपको पता चलेगा लिखिए इसके अंदर इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स

देखो वो नहीं है डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वही तो है ठीक है तो सबसे हमें अच्छी चेन डिसाइड करनी है प्रिंसिपल चेन डिसाइड करनी है तो हमने क्या बोला जो सबसे लंबी चेन है वही है एज सिंपल एज दैट जैसे एग्जाम्पल लेके बताऊं तब समझ आएगा ऑब्वियस सी बात है थ्योरी से मज़ा नहीं आता फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दिया लेट मी से कुछ भी लगा दिया कहीं पे Whatever. तो यहां पे आपको लॉन्गेस्ट चेन कौन सी मिल रही है मेंटल एबिलिटी है ना ये तो ये कोई सिखा तो so नहीं सकता है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मी से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्या मुझे एट मेंबर से भी लंबी कोई चेन मिल सकती है नहीं तो जो प्रिंसिपल चेन बन जाएगी वो हमारे पास ये बन जाएगी इसको मैंने ग्रीन में मार्क किया आ रहा है समझ तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल चेन क्या हो जाएगा प्रिंसिपल चेन प्रिंसिपल चेन समझ आ रहा है कितने कार्बन हो रहे हैं इसमें चार चार आठ कार्बन अब आप बोलोगे भाई ये क्यों नहीं प्रिंसिपल चेन है फॉर एग्जाम्पल ये वाली समझ आ रहा है क्यों नहीं है नंबर ऑफ कार्बन ठीक है तो नंबर ऑफ कार्बन जहां पे ज्यादा होंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होगा वैसे इससे भी समझ आ ही रहा है कोई हाई फाई चीज़ नहीं है जैसे पजल सॉल्व करते हैं वही है जैसे एक और एग्जाम्पल देखना फॉर एग्जाम्पल ये है ऐसा कुछ तो यहां पे प्रिंसिपल चेन कितनी मेम्बर्ड है <coughs> अगर आप बोल रहे हो ये तो गलत आंसर है ना क्यों बिकॉज यहां पे मिल रहे हैं छह कार्बन लेकिन अगर मैं इसको प्रिंसिपल चेन मान लू तो जिस जिसको मैं ग्रीन में ले रहा हूं कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जो प्रिंसिपल चेन है वो है आठ कार्बन की ठीक है समझ आ गया प्रिंसिपल चेन इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे मैक्सिमम हो रहे हैं अच्छा अब आगे चलते हैं अब ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल चेन हमें समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है तो लेकिन प्रिंसिपल चेन से निकले हुए भी तो कुछ कुछ ग्रुप्स हैं जैसे ये देखिए ये प्रिंसिपल चेन के अंदर नहीं है ये देखिए प्रिंसिपल चेन के अंदर नहीं है जिनको मैं ऑरेंज कलर से मार्क कर रहा हूं समझ आ रहा है जैसे ज्योग्राफी में होता है ना आपके पास एक रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तो ये ग्रीन वाला तो हमारे पास रिवर हो गया यह होगी उसकी ट्रिब्यूटरी नंबर वन ट्रिब्यूटरी नंबर ट्रिब्यूटरी नंबर थ्री सिमिलरली ये हो जाएगी इसकी ट्रिब्यूटरी तो तो बस प्रिंसिपल चेन मतलब जो रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको हम बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट या साइड चेन मतलब जैसे क्लास टीचर्स बेसिकली प्रिंसिपल चेन के रिस्पेक्ट में तो हेडिंग डाल लीजिए इसको लिखवा देते एक बार लिखिए सब्स्टी टूवेंट्स सबस्टी टूवेंट्स सबस्टी टूवेंट्स जिनको हम साइड चेन भी बोलते हैं जैसे प्रिंसिपल चेन को हमने कभी मेन चेन बोल दिया उस प्रकार से साइड चेन ठीक है तो लिख लीजिए द ग्रुप्स द ग्रुप्स विच आर विच आर अटैच्ड टू द प्रिंसिपल चेन द ग्रुप्स विच आर attached to the principal chain attached to the principal chain but but aren't present aren't present in the principal chain in the principal chain are known as the substituents are known as the substituents ठीक है जैसे अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल ये रिवर है रिवर के कुछ ट्रिब्यूटरीज़ ट्रिब्यूटरीज़ हैं हैं ये जो ट्रिब्यूटरीज है, वो हो जाएंगे साइड चेन जो रिवर है अपन के पास वो हो जाएगा मेन चेन या प्रिंसिपल चेन यहाँ पे पांच ट्रिब्यूटरीज है मतलब पांच प्रिंसिपल चेन बन के आ रही है इतना सही है और कुछ भी नहीं है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल देखते हैं अभी नामकरण के ऊपर नहीं आए हम अभी तक हम यही देख रहे हैं कि क्या क्या डेफिनेशन है नामकरण के ऊपर आएंगे फॉर तो एग्जाम्पल ये हमारे पास एक चेन है तो हमने ये लगा दिया ऐसा वट तो यहाँ पे प्रिंसिपल चेन क्या बन जाएगी ये बनेगी नहीं बनेगी आंख बंद करके बननी चाहिए आप बोलोगे ऊपर की तरफ भी ले सकते थे बिल्कुल ले सकते थे नंबर सेम रह रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना तो ये होगी प्रिंसिपल चेन तो ये क्या हो जाएंगे ध्यान से देखिए एक और गलत फहमी यहां पर मैं क्लियर करूंगा ये हो जाएगा सब्सिट्यूएंट सब्सिट्यूएंट सब्सटीट्यूएंट सब्सिट्यूंट सबस्टीटु। कितने सब्सिट्यूएंट हो रहे हैं चार दो नहीं हो रहे क्या आपने बोला कि एस टू एस थ्री सेम है एस वन एस फोर सेम है तो वो सेम है नहीं मेरे भाई ठीक है सेम नहीं है डिफरेंट है रिवर की ट्रिब्यूटरीज तो होती है ना चाहे सेम लेंथ की हो लेकिन ट्रिब्यूटरी तो मानी जाएगी बिकॉज वो कहीं ना कहीं किसी एरिया में जाके पानी तो दे ही रही होगी उस एरिया के लिए तो वो इम्पोर्टेंट है ठीक है जो फार्मर्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ताकि वो बना सके उस एरिया उस वाले में समझ आ रहा है तो ये इस प्रकार से हमारे पास बन के आता है अब अब⣿ सी बात है आपको एक चीज समझ आ रही होगी जैसे जैसे अगर मैं क्लास टेंथ के लेवल पे जाऊं तो आपको आपने पढ़ा होगा एलकेन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है CnH2n 2 इसको आप प्रूव कर सकते हो एक्चुअली विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस ठीक है ये बन के आता है तो जैसे अगर मैं सिंपलेस्ट एल्केन की बात करूं तो वो क्या होगा एन इज इक्वल टू वन पे होगा सी एच फोर होगा इसका नाम क्या हो जाएगा मिथ प्लस एन मिथेन सिंपल है ना एक कार्बन है एक और एल्केन है तो मिथ प्लस एन बनेगा है ना दो मिनट पहले बताया था अगर मैं एन इज इक्वल टू टू लू तो क्या बनेगा सी टू एच फोर प्लस टू विच इज इक्वल टू सिक्स इथेन बनेगा भाई साहब उसी प्रकार से फिर आगे प्रोपेन एसेट्रा एक्सेट्रा ब्यूटेन बन के आ जाएगा लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, तो आपको समझ आएगा कि जो S1 है वो हमें दिख तो रहा है कि एक कार्बन है लेकिन अगर मैं और डीप जाके देखूं, उसके इंटीरियर में तो मुझे क्या समझ आएगा कुछ ऐसा हो रहा है ऐसे अटैच है अटैच है कार्बन लेकिन उसकी एक वैलेंसी तो यहां चलेगी सिग्मा बॉन्ड में बच रही है तीन तो मेरे भाई तीन ही आपके पास हाइड्रोजन होंगे तो क्या इस ग्रुप को मिथेन बोलना सही होगा नहीं तो लॉजिक समझ आ रहा है ना क्यों बिकॉज मिथेन होता है ये ये लेकिन यहां पे तो हमारे पास ये है यही है ना देखो ध्यान से ये तो सी एच थ्री है इसका मतलब इसका नाम मिथेन नहीं होना चाहिए इसलिए इन प्रकार के ग्रुप्स को जहां पे हम लोग एक हाइड्रोजन कम कर दे रहे हैं जैसे एक बार देखना इसकी अगर मैं बात करूं ये क्या बनेगा ध्यान से देखना, भाई इलेवेंथ वाले कोई स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड क्वेश्चन ज्यादा मैटर करते हैं थ्योरी से दिमाग ज्यादा मैटर करता है के नोट जब मर्जी बना सकते हो समझना सीखो तो ये जो कार्बन है पहला उसके साथ एक और कार्बन अटैच्ड है इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन होंगे बिकॉज दो ही ही खाली पड़ी है अगले वाले में तीन हो जाएंगे Because तीन खाली पड़ी है तो क्या ये नहीं बन रहा है सी टू एच फाइव पंडा समझ आ रहा है सी टू एच फाइव ये बन रहा है सी एच फोर नहीं एच थ्री तो इसका नाम हम लोग इथेन नहीं कर सकते मीथेन मिथेन नहीं कर सकते हैं प्रोपेन नहीं कर सकते हैं इसीलिए इनका नामकरण जो होता है वो होता है एल्काइल के रूप में किस रूप में एल्काइल के रूप में आप बोलोगे ये कैसे बना बहुत ही सिंपल है एल्केन लिया उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया तो हमारे पास एल्काइल बना ठीक है तो जैसे अगर मैं बात करता हूं मिथेन के बारे में तो मिथेन ध्यान से देखना मिथेन क्या होता है सी एच फोर ये होता है अगर हम इसको सब्सटीटूएंट बनाना है समझ आ रहा है ना एस वन एस टू एस थ्री एस फोर क्या सब्सिट्यूएंट तो सब्सिट्यूएंट में एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा बिकॉज लॉजिकली समझो ना उसको एक बॉन्ड कार्बन से बनाना पड़ेगा ना कार्बन को तो एक हाइड्रोजन को त्यागना पड़ेगा तो जब इसको हम सब्सटीटूएंट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा वो बन के आ जाएगा कुछ सी एच थ्री जहां पे वो इधर से अटैच हो रहा होगा प्रिंसिपल चेन के साथ तो इसको हम लोग बोल देंगे मिथाइल समझ आ रहा है क्या बोल देंगे मिथाइल इसलिए जब भी सब्सिड्यूएंट बनेगा तब वो बन के आ जाएगा एल्काइल क्या बन के आ जाएगा एल्काइल जैसे एक बार देखिए मैंने लिया इथेन इथेन क्या होता है C2H6 C2H6 एच अगर मुझे सब्सिट्यूएंट बनाने का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा जैसे मैंने हटाया तो क्या बनेगा सी टू एच फाइव बना या नहीं बना देखो बिल्कुल बन गया ये तो बन रहा है इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा इथाइल क्या पड़ जाएगा इथाइल सिमिलरली प्रोपेन का क्या बनेगा प्रोपाइल ब्यूटेन का ब्यूटाइल जैसे जैसे हम चलते जाएंगे और भी देखते रहेंगे तो बेसिक फंड लिख लिख वापस आते हैं जो हमारा टॉपिक था दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स तो आपको समझ ही रहा है कि क्या होने वाला है लिख लीजिए नोट्स के अंदर फिर बताता हूं इट रिप्रेजेंट्स it represents represents the substituents the substituents or the side chain present on the principal chain it represents the substituents or the side chain present on the principal chain प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल चेन जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंसिपल चेन कितनी है अब ऊपर से करो साइड से, से करो सेम लेंथ पड़ रही है तो मैं यहीं से कर देता हूं मतलब फोर मेंबर है तो जो इसका नाम होगा वो रिप्रेजेंट होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स से किससे रिप्रेजेंट होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स से जैसे इसका नाम इस केस में क्या है मिथाइल अभी नाम नहीं लिख रहे हैं अभी हम समझा रहे हैं बस ठीक है मिथाइल बस तो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंडर आएगा इसमें अभी आपको एक पेज खाली छोड़ना है मतलब तो एक पेज मतलब आधा पेज नोटबुक के हिसाब से खाली छोड़ना है इस पेज के ऊपर हम वापस आएंगे ठीक है तो आई होप आपको समझ आ रहा हो वंस अगेन अगर मैं जाऊं वापस किसके ऊपर अच्छा भले लिख लीजिए डेफिनेशन लिखवा दिए ना इट रिप्रेजेंट्स द दब्सिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन मेन चेन हां मैं क्या बोल रहा था इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स उससे आगे बढ़ने से पहले अगर मैं एलकेन लेता हूं तो एलकेन का जो प्राइम सेकेंडरी प्रीफिक्स बनेगा प्रीफिक्स अगर मैं सफिक्स गलती से बोल दिया प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स बनेगा वो बन के आ जाएगा एलकाइल समझ आना मतलब कैसे बना एन हटाया आइल डाला इस प्रकार से अगर मैं एल्कीन लेता हूं तो क्या आप जज कर पा रहे हो अगर एल्कीन इस प्रकार से साइड में जो आज आएगा जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सब बता देंगे ईन हटाएंगे अब देखो यहां पर अगर आप इन हटाओगे <laughs> और आयल डालोगे तो हम एग्जैक्टली सेम जगह पे पहुंच जाएंगे तो इसके ऊपर हम थोड़े टाइम में आते हैं एक्चुअली एल्कीनाइल बनता है अभी के लिए बस मैं लिख देता हूं इसके ऊपर हम थोड़े टाइम में वापस आएंगे अभी बस इसके ऊपर फोकस करना है स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में फिर एल्कीन एवं एल्काइन के ऊपर हम आएंगे एल्काइन बन के आ जाएगा एलकाइनाइल उसी प्रकार से ठीक है एक बार इसको लिख लीजिए लेकिन अभी भी आधा पेज छोड़ के रखना है बिकॉज इसमें हम आगे, आगे आपको बताएंगे ठीक है लिख लीजिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं अच्छा इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लिखना है वो वापस हम लेटर ऑन आएंगे तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक हमने ये भी पढ़ लिया है ये भी पढ़ ही लिया है लेकिन ये लेटर ऑन आएगा जब हम साइक्लिक वाले कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब आएगा ठीक है तब आएगा ओके okay. अब इसके बाद बिल्कुल अटेंशन देना है बिकॉज हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जैसे फिजिक्स में आपने एफ बी डी पढ़ा है ना एफ बी डी ठीक है यहां पे हम पढ़ते हैं एफ पी डी एफ पी डी रूल दोनों ही भयंकर इंपॉर्टेंट है एफ बी डी बनाने आना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर उसको सॉल्व करना है एनएलएम के अंदर यहां पे आपको एफ पी डी आना चाहिए वरना अटक जाओगे देखो मैं इसको मानता हूं कॉमन सेंस रूल ठीक है इसको क्या मानता हूं मैं कॉमन सेंस रूल जैसे कुछ लोगों में कॉमन सेंस नहीं होती है जैसे मैं मैंने क्लास में पूछा था ये बहुत पहले कि एक किलो गोल्ड है एक किलो कॉटन है कौन सा भारी होना चाहिए दोनों सेम होगा ना बस वो वाली बात है ठीक है कॉमन सेंस ये भी कॉमन सेंस ही है कॉमन सेंस जैसे एग्जांपल लेके बताऊं आप बोलोगे हाँ भाई इसमें क्या था लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मतलब चांद सितारे मार्क कर लो इसके सामने फॉर एग्जाम्पल ये लिया मैंने अब आपको ये तो समझ आ गया कि प्रिंसिपल चेन कौन सी होने वाली है वो मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ वो आपको समझ आ गया लेकिन जो डाउट होगा वो ये होना चाहिए कि जो नंबरिंग है क्या वो लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए या वो राइट टू लेफ्ट होना चाहिए मतलब अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो नंबरिंग ये होगी अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूं तो नंबरिंग हो जाएगी क्या को समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मतलब अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं भाई साहब तो हमारे पास जो नंबरिंग आ रहे हैं किसके डिफरेंस कहाँ आ रहा है यार चेन में आ रहा है नहीं साइड चेन में आ रहा है ना साइड चेन में आ रहा है तो टू एंड थ्री पे आ रहे हैं ऑरेंज वाले जो सब्सिटेंट बोलते हैं हम एंड अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं सब्सिटूंट so, किस पे आ रहा white है वाइट में देखिए फाइव एवं सिक्स तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल क्या बोलता है कि जो छोटा नंबर है वो जीतेगा जैसे यहां पे देखिए कंपटीशन किसके बीच है टू वर्सेस फाइव इसको जिताना चाहिए टू को जिताना चाहिए तो ये हार जाएगा एज सिंपल एज दैट इसका मतलब वाइट वाली नंबरिंग गलत है ऑरेंज वाली नंबरिंग सही है समझ आया या नहीं आया है ना मज़ेदार या नहीं है जैसे एक और एग्जाम्पल बताता हूँ अब बोलेंगे ये तो मैं समझ आ गया कि फर्स्ट पॉइंट और डिफरेंस क्या है कुछ भी नहीं छोटा नंबर ढूंढने का है लोएस्ट नंबर तो फर्स्ट पॉइंट कहाँ से आया जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में अगर ऐसा हो रहा होता कि लेफ़्ट टू राइट आ रहा है टू टू थ्री फोर पे वेयर एज राइट टू लेफ्ट आ रहा है टू टू फाइव सिक्स पे तो समझ आ रहा है तो टू वर्सेस टू सेम टू वर्सिस तो तो नहीं आया इसलिए इसको first point of difference बोलते हैं <laughs> बस यही है ठीक है इतना सही रूल है ये इसकी बहुत एप्लीकेशन है पूरा चैप्टर पूरा चैप्टर ही यही है पूरा का पूरा ठीक है दिस इज द होल चैप्टर ऑन सिंगल पेज प्लीज लिख लीजिए अब जैसे कुछ लोगों को यह भी डाउट आ रहा होगा कि भाई अगर ऐसा हो गया तो जब लेफ्ट टू तो राइट राइट टू तो लेफ्ट दोनों सेम हो जाए भाई कुछ नहीं की बात है कि कहीं से भी कर दो बात तो वही रहेगी सिमेट्रिकल में कहीं से भी कर दो क्या सोचना है इसमें ठीक है समझ आ गया ये गॉड्स रूल है गॉड्स रूल है इस चैप्टर का ये ठीक है आइए एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं ताकि चीजें और क्लियर हों फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया है चलो ये ले लेते हैं इधर ले, ले लेते हैं या और इंटरेस्टिंग करें चलो ठीक है अभी के लिए इतना करते हैं पहले धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते हैं अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ आपको समझ आ रहा है कौन जीतने वाले देख के समझ आना चाहिए कभी कभी तो लेफ्ट टू राइट में जो तो हमारे लोकेंट्स आ रहे हैं या सब्सिट्यूएंट्स आ रहे हैं या साइड चेन आ रहे हैं सब प्रायवाची शब्द हैं तो वो आ रहा है टू नाइन एवं टेन लेकिन अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊं तो आ रहा है टू इस प्रकार से वन टू थ्री टू थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टेन एवं नाइन तो कौन जीतेगा टू वर्सेस टू नाइन वर्सेस थ्री में ये जीत गया ये हार गया तो ये गलत है व्हाइट वाला सही है जब तो नंबरिंग देखो कैसे समझ आ रहा है कैसे स्टेप बाई स्टेप पढ़ाता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप अभी तक हम नामकरण नहीं सीख रहे हैं लेकिन हम फाइनल स्टेप पे आ चुके हैं अभी नंबरिंग कर ली बस तो नंबरिंग के बाद क्या बचता है नाम कर तो बचता है ठीक है तो बचता है। लिख लीजिए प्लीज इसको लिख लीजिए आई होप समझ आ रहा हो क्या हो रहा है जैसे ये देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लू तो इस प्रकार से करते हैं? कौन सा होना चाहिए पॉज करके सोचना अगर मैं लेफ्ट टू राइट लेता हूं इस वाले मॉलिक्यूल में तो क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो मेरे भाई ये बन क्या जाएगा टू थ्री थ्री फाइव फाइव लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं इसी मॉलिक्यूल में ध्यान से समझना इस रूल को यही रूल पूरा का पूरा बेसमेंट है फाउंडेशन है इस चैप्टर का ये समझ गए तो सब समझ गए वैसे कुछ समझने वाला हाईफाई चीज है नहीं मेंटल एबिलिटी एन लेवल वाली मेंटल एबिलिटी नहीं है ये. टू वर्सेस टू लेकिन थ्री वर्सेस टू तो ये जीतेगा ये हारेगा लोवेस्ट जीतता है अच्छा ये भी डाउट हो सकता है क्यों जिताएंगे लॉजिकली समझो हम एक पर्टिकुलर नंबर देखो कितना ने कैसे दिमाग लगाया है लोवेस्ट आप हमेशा एक पर्टिकुलर नंबर पे ही ला सकते हो मतलब टू से नीचे हम जा ही नहीं सकते कुछ भी कर लो लेकिन हाईएस्ट में हम जितना मर्जी ला सकते हैं जैसे भी आपको टाइम के साथ पता चलेगा ठीक है चेन जैसी मर्जी बना दो हाईएस्ट बन जाएगा ना इसलिए आई ने रूल ये रख दिया है कि लोएस्ट पे ही खेलने का है ओके तो ये वाली सही नंबरिंग हो जाएगी ऑरेंज वाली फर्जी नंबरिंग है ठीक है प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली ओके आगे चले आगे चले अब आगे बढ़ने से पहले कुछ लोगों को डाउट आना भी चाहिए जैसे कि जब हम नामकरण करेंगे तो हमें यह तो समझ आ रहा है इसको हम मिथाइल बोलेंगे मिथाइल बोलेंगे लेकिन दिक्कत भी तो ये है कि हमारे पास दो दो मिथाइल हो रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर समझ आ रहा है दो दो मिथाइल हो रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तो इसको समझते हैं अब अब थोड़ा सा हम ऑफिशियली नाम के ऊपर बढ़ने जा रहे हैं एक काम करते हैं इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा एल्केन्स एल्के डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी बहुत कुछ आएगा मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा एस्थेटिक रूल आएगा बिस्ट्रिस वो सब आएगा ठीक है एक खतरनाक वाला क्वेश्चन भी आएगा आ जाएगा कल आएगा देखते हैं ठीक है कंटिन्यू करते हैं आगे प्लीज लिखना मत प्लीज लिखिए मत समझ लीजिए एक बार एक छोटो एग्जाम्पल समझाने का जैसे ये मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या लिखोगे आप नंबरिंग मैटर कर रही है नहीं कर रही है ना करनी भी है तो कर लो भाई के लिए ये हो जाएगा इसका नाम क्या बनेगा Hexine. वैसे इसको एन हेक्सेन बोलते हैं बिकॉज एन मतलब नॉर्मल मतलब लीनियर हेक्सेन बोलो तो वो भी चलेगा अब देखना ध्यान से अब लिखना मत अब समझना प्लीज अंडरस्टैंड रूल सारे बता चुका हूं मैं आपको अभी तक बेसिक रूल्स है अभी हाई फाइव रूल्स भी आएंगे बेसिक रूल सारे हो चुके हैं ये अच्छा एक और चीज बताऊ मैं आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने पहले से आई पढ़ा है उनको बोल रहा हूं मैं मेरे पास एल्कीन है मेरे पास एलकाइन है मेरे पास एल्कीन है एलकाइन तो है आई यूपीएससी के हिसाब से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है जिन लोगों ने पहले पढ़ लिया उनसे पूछ रहा हूँ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है एल्किंग की एल्काइन की एल्किंग की होती है नहीं दोनों की सेम होती है तो अगर आपके टीचर ने आपको ये पढ़ाया है छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए वहां से पढ़ना ठीक है गलत फहमी पढ़ाया जा रहा है गोल्ड बुक में लिखा गया है कि दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है फिर आप बोलोगे सेम पोजिशन पे आ जाए तो फिर एल्फाबेटिकल रूल लगाना पड़ता है ना जिन्होंने पहले पढ़ा उनके लिए बोल रहे इसलिए बोलो ध्यान से पढ़ो लेक्चर को अगर आपको लगता है भी आपने बहुत पढ़ लिया है फिर भी पढ़ो ध्यान से ठीक है फंसोगे कहीं ना कहीं देखना भी अभी तक तो, तो स्टार्ट भी नहीं हुआ बल्कि असली लेक्चर ओके okay, देखिए तो यहाँ पे क्या है One, two, three, four, five, six, seven. क्या आपको समझ आ रहा है सबसे पहले देखो सिंपल है सबसे पहले आपने मॉलिक्यूल को देखा देख के अगर डिसाइड करोगे लॉन्गेस्ट चेन देख गए सबसे लंबी चेन लॉन्गेस्ट चेन में भी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि लेफ्ट टू राइट जाऊं या राइट टू लेफ्ट वहां पे कौन आएगा द गॉड्स रूल एफ पी डी रूल तो लेफ्ट टू राइट जीत जाएगा बिकॉज वहां पे थ्री पे आएगा राइट टू लेफ्ट में फाइव पे आएगा यह भी समझ आ गया तो हमने नामकरण सॉरी हमने अभी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में नहीं पता लेकिन हमने नंबर्स भी दे दिया ठीक है नंबर्स दे दिया अब बस एक ही स्टेप बच रहा है वो क्या है नामकरण करना दुनिया में किसी भी मॉलिक्यूल का नामकरण हो जाता है प्रीफिक्स वर्ड सफिक्स प्रीफिक्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा है सब्सिट्यूएट साइड चेन तो साइड चेन क्या है मिथाइल आ रहा है समझ समझा नहीं आ रहा है आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है मिथाइल वर्ड रूट वैसे 7 है तो हेप्ट सफिक्स एन इन आइन में से क्या है दिख रहा है कहीं पे भी डबल ट्रिपल नहीं एन बल्कि आज तो एन ही पढ़ने वाले हम इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल ध्यान से देखना ध्यान से देखना बहुत बारीक बारीक चीजें बताऊंगा मिथाइल लेकिन एक डाउट आना चाहिए कि ये मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है इधर भी तो हो सकता था ना इधर भी तो हो सकता था कहीं भी हो सकता था इसलिए उस डाउट को क्लेरिफाई करने के लिए जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं उसकी पोजीशन भी लिखना पड़ता है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे देखो अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड 3 डाइमेंशनल है तो वो गलत है मतलब वो सही है एक्चुअली बिकॉज़ फोर डाइमेंशन में वो नहीं कर सकते हैं बैकवर्ड नहीं जा सकते हैं बस फॉरवर्ड ही जा सकते हैं वो भी उसकी पेस से ही लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो किसी को कि मेरे को तेरे से मिलने का है स्टार में ठीक है तो आप क्या बोलोगे स्टार में पहुंच जा स्टार बक्स से कॉर्डिनेट होगा ना एक्स वाई जेड एक्सिस पे तो कॉर्डिनेट हमें पता चल गया स्टारबक्स से कि स्टार बक्स हीरानंदानी ठीक है तो हीरानंदानी वाले स्टार बक्स में हम पहुंच गए लेकिन वो काफी नहीं है आपको एक और डायमेंशन चाहिए जो है फोर्थ डायमेंशन जो है टाइम कि भाई पाँच बजे मेरे को मिलने का है तेरे को ठीक है तो चार डायमेंशन चाहिए एक्स वाई जेडक्स की लोकेशन होगी एक्स वाई जेड और एक हो गया टाइम सेम चीज यहाँ पे हो रहा है ना सिर्फ मिथाइल काफी नहीं सिर्फ स्टार बक्स काफी नहीं है किस टाइम पे तो पोजिशन भी तो चाहिए बस वही है इसलिए हमें यहाँ पे थ्री भी लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा थ्री भी लिखना पड़ेगा कुछ बारीक बारीक चीजें ध्यान से देखना प्लीज समझना सबसे पहले ये क्या हो गया ये हो गया हमारे पास प्रीफिक्स मैं प्राइमरी सेकेंडरी के ऊपर फोकस नहीं कर रहा आपको पता है कि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है ठीक है ये क्या हो गया हेप्ट हो गया वर्ड रूट और एन क्या हो गया सफिक्स प्राइमरी सफिक्स समझ आ गया देख सकते हो आप लोग बहुत सिंपल है इस प्रकार से नॉर्मल होते हैं कुछ बारीक बारीक चीजें कभी भी दो अल्फाबेट्स के बीच में गैप नहीं होता है ऑल दो सब्जेक्टिव पेपर नहीं आ रहा है बस कभी भी आ सकता है भाई बिकॉज एडवांस का पैटर्न फिक्स नहीं है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए देखना ध्यान से कभी भी दो वर्ड्स के बीच में गैप नहीं आता है तो मिथाइल एवं हेप्टेन के बीच में गैप नहीं होगा गैप नहीं होगा जब भी अल्फाबेट एवं नंबर आता है तो बीच में हाइफन यूज होता है जैसे थ्री एवं एम ध्यान से देखना थ्री एंड एम के बीच में हाइफन आएगा बिकॉज वहां पे आपके पास एक नंबर एंड लेटर है अल्फाबेट है ठीक है तो बस इंग्लिश एवं मैथ्स को सेग्रीगेट करने के लिए ये यूज हो रहा है समझ आ गया बाकी कहीं पे भी कोई गैप नहीं आता है नहीं आता है समझ आया या नहीं आया मजा आया या नहीं आया इस प्रकार से नॉमिकलेटर होता है अभी हम इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे उससे पहले प्लीज एक बार लिख लीजिए प्लीज लिख लीजिए इसको जल्दी से अब उसके बाद आगे चलते हैं ये तो हो गया जब हमारे पास एक सब्सिट्यूएंट हो अगर हमारे पास मल्टीपल सब्सिट्यूएंट्स हो वो कैसे नामकरण होगा वो देखिए देखना हर चीज बता रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से यार इतना बेसिक तो मैं असली बैचेस में नहीं पढ़ाता था ओके देखिए ध्यान से तो ये फॉर एग्जांपल ये है लेट मी से ऐसा कुछ ऐसा ये अच्छा ये हमारे पास है क्वेश्चन सबसे पहले क्या होना चाहिए प्रिंसिपल पहले चेन डिसाइड होगी ना पहले चेन डिसाइड होगी उसके बाद ही तो नंबरिंग होगी कॉमन सेजन चेन डिसाइड नहीं की नंबरिंग किस पे करोगे तो चेन डिसाइड करने के लिए दो ऑप्शन है मतलब ऑप्शन ये है दो ऑप्शन क्या है लेफ्ट टू तो राइट राइट टू तो लेफ्ट ऑब्वियसली बात है राइट टू तो लेफ्ट जीत जाएगा समझ आ रहा है क्यों बिकॉज अगर मैं राइट टू तो लेफ्ट जा रहा हूं तो टू पे मिल रहा है लेफ्ट टू तो राइट पे थ्री पे मिल रहा है। तो टू वर्सेस थ्री हो रहा है वो अभी लिख देता हूं मैं भगवान है ये इस चैप्टर का भगवान भगवान द गॉड इज एफ पी डी अब इसका नाम क्या होगा फोर पे क्या है इथाइल तू पे क्या है मिथाइल प्लीज एक चीज समझना जो मैं आपको बता रहा हूं आई गोल्ड बुक जिसको हम बोलते हैं जब हम आईआईटी गए थे तो उसका अलग नाम बताया था क्या नाम बताया था कंपेडियम कुछ बताया था ठीक है हाँ स्टार्टिंग बोला था कंपेडियम ऑफ केमिकल टर्मिनोलॉजी ठीक है फैंसी बिकॉज फैंसी राइट ओके दैट इज नथिंग बट बट प्लीज अंडरस्टैंड अ फैंसी डिक्शनरी एक बार डिक्शनरी की स्पेलिंग भी डिक्शनरी में, में देख लेना मुझे याद नहीं है ठीक है इट इज नथिंग बट अ फैंसी डिक्शनरी जैसे फॉर एग्जांपल कैफे सस्ता राइट लेकिन भाई साहब अगर मैं कैफे के ई के ऊपर डंडा लगा दिया महंगा हो गया नहीं हो गया बस वही बात है बस वही बात है तो ये आपके घर की डिक्शनरी है ये बस आईयूपीएससी है फैंसी डिक्शनरी लेकिन किस चीज की डिक्शनरी कंपाउंडस की प्रॉपर्टीज की डिक्शनरी किस चीज़ की डिक्शनरी कंपाउंडस की प्रॉपर्टीज की डिक्शनरी समझ आ रहा है मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉजिकली समझो ना अभी तो आप इलेवेंथ में ट्वेल्थ में ड्रॉपर्स हो जिस भी क्लास में अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है बल्कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है फ्यूचर में जाके फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको परस्यू करो मतलब साइंस को तो आप कोई कंपाउंड देखने जाओगे तो आई की बुक खोलोगे जैसे उसको खोला

आरएफ फंडा समझ या नहीं आ रहा है लास्ट में कोई जीबरा होगा बस वही है इस प्रकार से तो यही है डिक्शनरी का सिग्निफिकेंस लिटरली यही बता रहा हूं मैं आपको तो मुझे लॉजिकली बताओ लॉजिकली बताओ अगर मेरे पास एक डिक्शनरी है तो क्या वहां पे नंबर मैटर करता है या अल्फाबेट अल्फाबेट करता है ना तो जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा जैसे डिक्शनरी में आता है जैसे डिक्शनरी में आता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा फोर इथाइल फोर का कोई रोल नहीं है इथाइल के ई से जीत रहा है वो इथाइल के ई से जीत रहा है उसके बाद मिथाइल आया फंडा समझा ई वर्सेस एम हो रहा है ई वर्सेस एम बस यही है इतना ही है ठीक है डिक्शनरी में फॉर एग्जाम्पल आप इसी कंपाउंड को सर्च करने जाओगे तो इथाइल के ई सर्च करोगे ना इथाइल इथा इथाइल ऐसे करके कभी बने था आएगा फिर टू आएगा फिर थ्री उस प्रकार से फोर्थ उसके बाद सिक्स मेंबर चेन है तो एक्सेन आ गया फंडा समझ वंस अगेन आप देख सकते हो ये क्या है प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स तो किसी भी नॉमनक्लेचर को आप इसी तीन भाग में बांट सकते हैं प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स लिख लीजिए प्लीज लिख लीजिए प्लीज अब देखिए एक और क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल चल रहे क्वेश्चन नहीं है ये ऑफिशियली अभी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पल है इनको भी क्वेश्चन में डालना चाहिए था फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया ओके okay, ये समझ आ गया लॉन्गेस्ट दिख गई मुझे एफ पी डी के द्वारा क्या होना चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कोई दिक्कत नहीं है किसी को नंबरिंग भी होगी ये सब भी देख लिया अब नाम लिखते हैं तो फोर पे क्या है इथाइल तो लोग अटकते हैं वैसे तो सिंपल है थ्री कॉमा थ्री डाई मिथाइल अब यहां पे डाउट आना चाहिए अच्छा पहली बात ये समझ रहे डाई क्यों आ रहा है बिकॉज़ दो मिथाइल है ना अगर तीन होते तो जैसे डाई हो गया तीन होते तो ट्राई हो गया चार हो गए तो टेट्रा पांच हो गए तो पेंटा मिथाइल उस प्रकार से एक्सामिथाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो जब भी ये हमारे पास होते हैं तो दीज आर एंट कंसीड आप बोलोगे भाई इसको हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं डिक्शनरी में बस डिक्शनरी जो मैं डिक्शनरी बोल रहा हूं उसी का फैंसी शब्द होता है एल्फाबेटिकल रूल एल्फाबेटिकल रूल इज नथिंग बट अगर आप कोई डिक्शनरी बनाओ उसमें कैसे आएंगे बस वही है उदा तो समान तो यहां पे इथाइल का ई वर्सेस मिथाइल का एम हो रहा है आप बोलोगे क्यों डाई का डी क्यों नहीं हुआ लॉजिकली समझो डाई इज नथिंग बट अ मिस्टर मिस्टर फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी में जा रहे हो लेट मी से राहुल तो अच्छे फॉर एग्जांपल दो ही बंदे इस पार्टी में इट इज अ बोरिंग पार्टी राइट तो वहां पे एक मिस्टर ये है मिस्टर ये है एंड फॉर एग्जांपल एक और कोई मिसेस डाल देते हैं मिसेस Hmm, कोई नाम याद नहीं आ रहा नाम बताइए फॉर एग्जाम्पल हाँ तनिषा डाल दे ओके okay, तो इनकी जो एंट्री होगी वो कैसे होगी क्या वो मिस्टर के एम 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 से हो रही नहीं वो ऐसे हो गए ना आप समझ रहे हो कितना इजी है आर एस टी ए पहले ये फिर ये फिर ये आर एस समझ आ नहीं आ रहा बस इतना ही है इतना ही है मेरे भाई ठीक है इसी प्रकार से हो रहा होगा समझ आ गया इसलिए हम लोग डाई का डी या डी जैसे मैंने लिखा ये कंसिडर नहीं होता है एल्फाबेटिकल रूल के टाइम पे क्यों बिकॉज वो एक्ट कर रहा है मिस्टर की तरह, की तरह, तरह, मिसेस ठीक है, प्लीज लिख लीजिए इसको लिख लीजिए इसको जल्दी से आगे चले आगे चले ठीक है सिमिलरली तो अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछना चाहूं हमारे पास है डाई इथाइल आ रहा है एंड मिथाइल आ रहा है तो पहले मैं किसको लिखूंगा डिक्शनरी के हिसाब से इसको लिखूंगा समझ आ गया अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास डाई मिथाइल है एंड प्रोपाइल है तो पहले किसको लिखूंगा एम वर्सेस पी हो रहा है तो मिथाइल वाले को हम पहले लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फोर इथाइल है प्री मिथाइल है तो सबसे पहले किसको लिखेंगे एम वर्सेस ई हो रहा है तो ई e वाले को पहले लिख देंगे एज सिंपल एज दैट लिख लीजिए प्लीज लिख लीजिए और क्या हो सकते हैं इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलो भाई टेट्रा वाला भी करवा देते हैं एक वैसे भी क्वेश्चन आएंगे ये तो क्या बोल रहे हैं प्रीफेस है जिनको पता है कि क्वेश्चन हम कैसे करवाते हैं ऐसे होते हैं ना ए बी सी करके स्टार्ट होता है अभी तक तो उस पर हम आए भी नहीं है टेट्रा मिथाइल है एंड पेंटा इथाइल है Substituents. कौन जीतेगा एम वर्सेज ई जीत जाए इतना सही है एल्फोबेटिकल लिख लीजिए भाई लिख लीजिए नेक्स्ट आगे चलते हैं आगे चलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक और रूल इग्नोर्ड रूल दैट इज अगर पेरेंट चेन चेन सेम हो जाए मतलब लेंथ पेरेंट चेन की लेंथ सेम हो जाए एल लेंथ तो क्या फंडा यूज होगा तो क्या फंडा यूज होगा ध्यान से देखना एग्जांपल लेके समझा रहा हूं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं थ्योरी ही है ये एग्जांपल देखना ध्यान से फॉर एग्जांपल ये है अब ये पेरेंट चेन ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट आइडेंटिकल यहां पे डिफरेंस आएगा देखना कैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास दो पैरेंट चेन हो सकते हैं लेट मी से ए पी एवं सी पहली बात ये समझ आ रहा है कि अगर मैं ए से बी वाली बोल रहा हूं तो उसमें बी टू ए ही जीतेगा एफ पी डी के द्वारा ऑप्शन तो है दूसरा ऑप्शन क्या है सी से ए अब बोलोगे भाई ए से सी क्यों नहीं वो भी समझ आ रहा है एफ पी डी वन टू थ्री तो टू एवं थ्री पे आ रहे हैं सब्सिट्यूएंट हमारे समझ आ रहा है दोनों की लेंथ सेम है वन सेकेंड ध्यान से देखिए प्लीज दोनों की लेंथ सेम है तो again, यार लॉजिकली समझो अगर दोनों की लेंथ सेम होगी दो रिवर्स हैं उनकी लेंथ सेम हो गई लेकिन एक के पास ज्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं एक ज्यादा जगह पानी पहुंचा सकता है तो कौन से रिवर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस सिनेरियो में जो ज्यादा जगह हमारे पास पानी पहुंचा सकता है जैसे अगर मैं ए टू बी या बी टू ए वाले की बात करूं तो वहां पे अपन के पास नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट बन रहे हैं one, ये वाला कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिट्यूएंट इसके ऊपर ही नंबर वन नंबर टू दो सब्सिट्यूएंट है या नहीं है तो जो नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट है वो टू है तो कौन जीत जाएगा यहां पर बात है जीत जाएगा ठीक है समझ आया नहीं है तो लिख लीजिए प्लीज इसके अंदर लिख लीजिए लिख लीजिए इफ द लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन इज द सेम इफ द लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन इज द सेम इज द सेम देन दी देन दी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज देन दी Differentiating factor is yeah, R the number of the substituents. Very important rule. Then the differentiating factor is or are the number of substituents. Number of the substituents. TK? Okay? तो थ्योरी ऑफिशियली कंप्लीट होती है जितना आज मुझे पढ़ाना है अभी बीच में और थ्योरी आएगी इसी लेक्चर में जो हाई फाई थ्योरी होगी लेकिन जो बेसिक थ्योरी है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है थ्योरी में बल्कि बहुत एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं लेकिन अब हम ऑफिशियल एग्जाम्पल पे चलेंगे उससे पहले एक बार समरी ध्यान से देख लो एक बार समरी ध्यान से देख लो आपको लग रहा है कि आपने बहुत पढ़ लिया ले, लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ा है ठीक है बहुत आसान चैप्टर है ये सिंपल सा एल्गोरिद्म फॉलो करता है इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं जैसे आप जीओसी का पढ़ोगे मेरे से उसमें लगेगा हर चीज में लॉजिक है इस चैप्टर में इतना लॉजिक नहीं है ठीक है ये रूल्स है ना नामकरण में क्या लॉजिक है अब आपका नाम राहुल क्यों है आपका नाम आयुष क्यों है वही है ओके क्या रूल पढ़े हमने कि किसी भी चीज का नॉमनक्लेचर करना हो तो उसको हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स अगर मैं एल्केन के हिसाब से बात करूं जो आज का हमारा मुद्दा है तो मेरे भाई वहां पे जो प्रीफिक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है सब्सटीट्स को वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं सफिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पहली बात वो है प्राइमरी सफिक्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है एन समझ आ गया दूसरा रूल जो हमने पढ़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे चैप्टर के लिए ना ही सिर्फ के लिए दैट इज द एफ पी डी रूल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल ठीक है उसके बाद ये सब हमने कर लिया चेन ढूंढ ली नंबरिंग भी कर ली तो नाम लिखना पड़ेगा नाम लिखते वक्त हमें देखना है कि डिक्शनरी में कैसे आता है तो वहां पे आ जाएगा अल्फाबेटिकल रूल एल्फाबेटिकल रूल इज़ नथिंग बट अ फैंसी नेम फॉर डिक्शनरी ठीक है यहाँ पर हमने समझा कि डाई ट्राई टेटरा को हम नहीं लेते हैं नॉर्मल क्लेचर करते हुए बिकॉज वो मिस्टर एवं मिस की तरह एक्ट करते हैं उसके बाद जो हमने एक इग्नोर रूल पढ़ा कि अगर प्रिंसिपल चेन की लेंथ सेम हो जाए एल्केस के टाइम पर तो वहाँ पर जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर बनता है वो बनता है नंबर ऑफ सब्सिट्यूट क्या बनता भाई number of, number of है भाई साहब नंबर ऑफ नंबर ऑफ ये आपके पास समरी है ठीक है क्वेश्चन ट्राई करें और भी चीजें बताई थी जैसे नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन आना चाहिए वर्ड वर्ड के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए एक्सेट्रा ओके ये देखिए क्वेश्चन यहां पे हमसे पूछा गया है कि पहले तो इसका नामकरण क्या होगा उससे पहले ढूंढिए कि प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी ठीक है ट्राई करो एक बार ट्राई करो एक बार पॉज करके तीनों क्वेश्चंस को साथ में या मैं क्या सोच रहा हूँ ना पहले आपको पी वाई क्यूज करवा देता हूँ ठीक है पहले आपको पी वाई क्यूज करवा के खुश करवा देता हूँ उसके बाद हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं ठीक है ओके ये ट्राई करना एक बार इसको ये आपके पास जई मेन ऑनलाइन कब का दो हजार चौदह का क्वेश्चन है ये ट्राई करिए ठीक है क्या आंसर बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट सब कुछ सेम है सब कुछ सेम है नंबरिंग सेम एफ पी डी सेम है तो क्या डिफरेंटिंग लास्ट में क्या बच गया अल्फाबेटिकल एल्फाबेटिका तो ई वर्सिस एम से करना पड़ेगा तो थ्री बी बन के आ जाएगा ठीक है अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या आप लोग मुझे होमवर्क में बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर देखते किस क्वेश्चन सही होता है ये आई टी जे दो हजार सात का क्वेश्चन है ये एक बार कमेंट्स में इसका आंसर बताना कि क्या क्या आता है ठीक है एक बार पॉज कर लो पॉज कर लो जल्दी से हम हमारे क्वेश्चन वापस जा रहे हैं हम प्राय करते हैं बहुत सिंपल है भाई बहुत इसमें हम एम से भी होमवर्क देंगे वो सब भी देंगे तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है करने के लिए ओके भाई करते हैं सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग कहां से होगी आपको समझ आ रहा है नंबरिंग जो होने वाली है वो राइट टू लेफ्ट ही होगी क्यों एफ पी डी थ्री थ्री फोर हो रहा है थ्री थ्री फोर ठीक है ओके तो नाम क्या हो जाएगा इथाइल पहले आएगा तो थ्री इथाइल इसमें मैं पूरा लिख रहा हूँ उसके बाद थ्री कॉमा फोर ध्यान से देखिए कहाँ कॉमा लग रहा है कहाँ पे हाइफन लग रहा है कहाँ पे गैप है कहां पे नहीं है प्लीज नॉनेन पर नॉनेन थोड़ी ऑक्टेन ऑक्टेन क्या ये क्लियर है सभी को क्या ये क्लियर है सभी को लिख लीजिए फोर फाइव सेवन एट ओके okay, आगे चले सेकंड वाला ट्राई करिए सेकंड वाले में समझ आ रहा है वंस अगेन जो नंबरिंग हो जाएगी वो राइट टू लेफ्ट ही होने वाली है नो डाउट नो डाउट तो क्या नाम हो जाएगा इसका ये हो जाएगा थ्री पे इथाइल ऐसा लिख रहा हूं मैं थ्री पे इथाइल उसके बाद टू फोर फाइव ट्राई मिथाइल क्लियर है या नहीं है क्लियर है या नहीं है नेक्स्ट वाला ट्राई करिए नेक्स्ट वाले में सबसे पहले मेन चेन सही से डिसाइड होनी चाहिए तो क्या आपको समझ आ रहा है जो मेन चेन है वो हमारे पास देखना ध्यान से तो मैं कर रहा हूं अभी डिब्बे में यही होगी इससे लंबी और कोई चेन पॉसिबल नहीं है ये तो पजल है ना दिस इज नॉट केमिस्ट्री दिस इज अ पजल उसके बाद इधर से इधर होना चाहिए इधर से इधर एफपीडी थ्री पे आ रहा है पहला सब्सटिट्यूटेंट तो 3 कॉमा समथिंग समथिंग हो रहा होगा यहाँ पे वन टू थ्री फोर पे आ रहे हैं तो फोर कॉमा समथिंग समथिंग आएंगे थ्री वर्सेस फोर में थ्री जीत जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट कर सकते हो ना इसको कर लोगे ना अब तो इसमें क्या बचा कर लोगे ओके okay, टेन है तो डेकेन आएगा नेक्स्ट नंबर डी ट्राई करिए नंबर डी लेफ्ट टू राइट में टू कॉमा समथिंग समथिंग आएगा राइट टू लेफ्ट में जाओगे तो थ्री थ्री आएगा कौन जीतेगा टू कॉमा समथिंग समथिंग जो नंबरिंग हो जाएगी वो ये हो जाएगी क्या नाम बनेगा टू सेवन सेवन एट एट पांच है तो बनेगा पेंटा मिथाइल ढंग से पढ़ लेना वरना यही रैंक आएगी टू सेवन सेवन एट एट पेंटा मिथाइल उसके बाद है डेकेन पेंटा मिथाइल डेकेन लिख लीजिए प्लीज लिख लीजिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहली बात आपको समझ रहा है इसमें नंबरिंग कैसे होगी लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊं तो बन रहा है थ्री फोर फाइव राइट टू लेफ्ट में भी थ्री टू फाइव थ्री फोर फाइव बन रहा है कौन जीतेगा मिथाइल वर्सेस मिथाइल हो रहा है ना यहाँ पे एम आ रहा है यहाँ पे ई e आ रहा है तो इसलिए हमें इसको जिताना पड़ेगा ये तो हमें समझ आ गया कि ये तो मिथाइल है ये तो इथाइल है लेकिन ये इतना बड़ा सा क्या बैठा हुआ है यहां पे? बस इसको अब हम समझाएंगे तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटीटूएंट्स अच्छा यार मैं एक चीज बोलना भूल गया अगर कुछ लोगों को मैं ये मान रहा हूं कि ये पता है आपको कि बॉन्ड लाइन क्या होता है ठीक है ये बॉन्ड लाइन नहीं पता तो बता देना ठीक है अगले लेक्चर में बता दूंगा बॉन्ड लाइन भी क्या होता है मैं कर रहा रहा सिंस लिटरली कोर्स आ रहा है भी क्या चल रहा है मार्च मैं कर रहा कि मार्च तक तो ये सब आना ही चाहिए एनसीआर लेवल वाला फिर भी नहीं आ रहा तो बता देना ठीक है ओके ध्यान से देखना इसको लिखना मत सबसे पहले हमारे पास एक रिवर है रिवर की ट्रिब्यूटरीज है प्रकार से, से पांच ट्रिब्यूटरीज है हमारे पास लेकिन एक और चीज भी तो पॉसिबल है ना भाई साहब क्या कि ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी बन जाए ना ऐसा आ रहा समझ नहीं आ रहा है जैसे ये है पर ये होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट तो कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट इज नथिंग बट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अ ट्रिब्यूटरी सिंपल लैंग्वेज में ठीक है रिवर ने ट्रिब्यूटरी बनाई रिवर क्या था प्रिंसिपल चेन ट्रिब्यूटरी क्या थी साइड चेन साइड चेन के ऊपर एक और साइड चेन बनते जाए क्या मूवी थी वो इनसेप्शन, ठीक है तो वो बन के आ जाएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट जैसे ये अब बोलोगे भाई कैसे समझ ये तो सही समझा रहे रुकिए ना पूरा पूरा पैसा लिए वसूल कराएंगे आपके देखना ध्यान सबसे पहले प्रिंसिपल चेन क्या है ये है आपकी क्लास में आपके स्कूल में कोई भी टीचर है वो किसको रिपोर्ट करता है वो हमेशा रिपोर्ट करेगा प्रिंसिपल को ही इसको प्रिंसिपल को ही तो ध्यान से देखना प्लीज ये जो रिवर की ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी है ये है प्रिंसिपल ये है प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल को डायरेक्ट रिपोर्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट रिपोर्ट तो जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है उस पर हम लगाते हैं वन अगर तो समझ आ रहा है ना अब हम रिवर के ट्रिब्यूटरी का नामकरण करने वाले तो ट्रिब्यूटरी के अंदर एक अलग यूनिवर्स बन रहा है यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स तो हर यूनिवर्स का इंडिविजुअली नॉर्मन करना पड़ेगा तो किसी भी चीज का नॉमन करने के लिए हमें उसमें नंबरिंग भी तो चाहिए ना भाई साहब तो यहां पर ध्यान से देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है पे जो अटैच है वो है वन वन ये नहीं होगा कि गलत अगर आप इसको वन बोल रहे हो या इसको वन बोल रहे हो जो प्रिंसिपल को क्लास टीचर रिपोर्ट करता है तो लॉजिकली समझिए तो प्रिंसिपल ये है क्लास टीचर को उसी को ही रिपोर्ट करना पड़ेगा तो जो नंबरिंग होगी वो इधर ही होगी वन फिर वही सेम रूल लॉन्गेस्ट चेन कितनी है इधर जाओगे तो टू मेंबर्ड क्या वो लॉन्गेस्ट है नहीं ये है ना लॉन्गेस्ट थ्री मेंबर आ रहा समझ या नहीं आ रहा है एक बार रिपीट करके देखना अभी क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर और आएंगे लेकिन रिपीट करिए करिए समझ नहीं आया कुछ भी नहीं है क्लास टीचर प्रिंसिपल को कर रिपोर्ट करना चाहिए इसलिए नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए एज सिंपल एज दैट तो ये तो हमें समझ आ गया ये हो गया मिथाइल ये हो गया इथाइल अब फोर पे क्या प्रेजेंट है वो समझते हैं तो फोर पे फोर पे ध्यान से देखना वन पे क्या है वन पे है मिथाइल समझा तो ना यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स क्या होती है वो रशियन डॉल्स होती है ना डॉल के अंदर डॉल के अंदर डॉल वैसा ही ओके okay. तो फोर के अंदर वन देखो ये जो यूनिवर्स है इधर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है थ्री मेंबर्ड सब्सीट्यूएंट क्या है इसका मिथाइल तो फोर पे देखो भाई यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स तो वन के ऊपर मिथाइल लिखा ना के मेंबर चेन का नाम में प्रोपेन लिखूंगा या प्रोपाइल लिखूंगा बताइए सोच के प्रोपाइल लिखूंगा प्रोपेन नहीं लिखूंगा क्यों भाई बस है तो वो फॉर एग्जाम्पल अगर ये नहीं होता अगर ये नहीं होता तो क्या आप इसको प्रोपेन लिख के आते क्या और प्रोपेन लिखते नहीं ना इतना दिमाग तो है ना प्रोपाइल लिखते ना बस वही हो रहा है प्रोपाइल क्यों है बिकॉज है तो वो सब्सिट्यूमट ही तो फोर पे वन सेकेंड वन पे मिथाइल देखो वही सेम लॉजिक नहीं फॉलो हो रहा ये क्या है सब्सिट्यूएंट लेकिन सब्सिट्यूएंट क्या होता है प्रीफिक्स लो भाई प्रीफिक्स ये क्या है वर्ड रूट लो भाई वर्ड रूट थ्री मेंबर्ड मेन चेन ये क्या है सफिक्स तो बोल रहा हूं दुनिया में किसी भी चीज का नॉमनक्लेचर करने का है ऐसे ही होगा एक ही रूल है और कुछ भी नहीं है कोई भी हाई फाई चीज नहीं हो रही है ओके okay? ओके okay, उसके बाद समझते हैं एल्फाबेटिकली uh, चलना पड़ेगा तो डिक्शनरी में देखिए ध्यान से डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आता है डिक्शनरी सबसे पहले आएगा पी पे इथाइल आएगा मतलब इथाइल आएगा थ्री नहीं इथाइल आएगा तो इथाइल पोजीशन नंबर थ्री फाइव पे मिथाइल वही वाली बात है ना भाई डिक्शनरी मिथाइल वर्सेस मिथाइल प्रोपाइल सचिन वर्सेस सचिन राणा तो कौन आएगा डिक्शनरी पहले पहले सचिन आएगा ना के बाद कहीं जाके सचिन राना आएगा सचिन ए सचिन बी उसके बाद जाके कहीं पे बस वही है सेवन मेंबर चेन है तो हेप्टेन आ रहा है समझ नहीं आया एक और बार रिपीट करिए एक और बार रिपीट करो इसको ठीक है कोई दिक्कत नहीं आइए एक और क्वेश्चन है। करवाते हैं एक और क्वेश्चन करवाते हैं नंबर एफ ये तो और मजेदार है ओके सबसे पहले अगर आप देखो ध्यान से ट्राई करना पॉज करके तो आप देखोगे कि राएट राएट लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट सेम हो रहा है भाई लेफ्ट राएट एवं, राएट लेफ्ट टू टू राइट राइट सेम हो रहा है ध्यान से देखिए सेम हो रहा है सेम नंबरिंग सेम आ रही है ना फाइव एवं पांच तीन आठ आठ हो रहा है फाइव एट तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे होगा क्या बच रहा है अल्फाबेटिकल आखिरी रूल वही तो होता है वही बचता है अल्फाबेटिकल अब देखिए लेट ओके देखिए ध्यान से तो एक्स पे क्या हो रहा है अपन के पास एक्स पे देखिए ये रिवर है ये प्रिंसिपल है प्रिंसिपल के साथ ये है साइड चेन रिपोर्टिंग डायरेक्टली रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल ठीक है आपको ऐसे डैश भी यूज करती है थियेटिकली सही है लेकिन आई यूपीसी मना करता है वो डैश यूज करने के लिए इसलिए बता रहा हूं इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज थी बट एंड में उस डैश को इरेज कर दिया करो ओके okay, तो एक्स पे क्या नाम हो रहा है वन कॉमा वन अब समझ आ रहा होगा सभी को डाइमिथाइल टू मेंबर लॉन्गेस्ट चेन है लेकिन वो स्टिल एक सब्सिट्यूएंट है तो इथाइल बनेगा आ, इथेन नहीं बनेगा इथाइल बनेगा वाई पे क्या हो रहा है भाई साहब वाई पे अगर हम ध्यान से देखें ये प्रिंसिपल है ये क्लास टीचर है तो वन यहां आएगा लॉन्गेस्ट चेन टी मेंबर है ओके okay, करते हैं तो वन कॉमा टू डाई मिथाइल प्रोपाइल बताइए भाई डिक्शनरी में पहले क्या आएगा डिक्शनरी में पहले क्या आएगा ये या ये ऑब्वियसली पी वर्सेस ई हो रहा है डाई मिथाइल सेम प्रोपाइल में ई e, प्रोपाइल में पी वर्सेस इथाइल का ई e, बस जो तो नंबरिंग होनी चाहिए वो लेफ्ट टू राइट सही हो जाएगा आ रहा है मजा नहीं आ रहा है देखो वही वाली बात लेवल पढ़ना है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा अभी तो अभी अभी तो स्टार्ट हो रहा है देखो ऐसे जाते हम हमेशा फाइव देखो भाई समझनी पड़ेंगे आपको देखो दो तरह के टीचर होते हैं एक टीचर वो होता है जो आसान आसान चीजें पढ़ा के आपको क्लास में खुश कर देगा जब एग्जाम से आओगे ना तब आप रोगे तब आप समझोगे वैसे ना जैसे कुछ लोग सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं आप ये नहीं समझ रहे हो सस्ते के चक्कर में आपके टू ईर्स टू ईयर्स बर्बाद हो उसका कोई प्राइस ही नहीं है इसका कोई प्राइस ही नहीं है टू ईयर्स का भाई ठीक है आप सोच रहे हो कि पैसे बचते नहीं जो टाइम गवाया आपने वही तो बोल रहा हूँ टाइम के की हम ट्रैवल कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा आज नहीं तो कल ज़रूर कमा सकते हो ठीक वो टाइम कैसे वापस आएगा लॉजिकली समझो ठीक है देख लीजिए भाई हर दुनिया का जो अमीर बंदा है या जिसने अचीव किया है किस चीज़ की इज्जत करता है वो पैसे की नहीं समय की समय की इज़्ज़त करना सीखो लिखिए भाई इसको जल्दी से नेक्स्ट ट्राई करिए देखो बढ़ा रहे लेवल धीरे धीरे दिमाग लगाते रहिए साथ साथ में ओके okay, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें पहली बात तो कुछ लोग सोचें चल क्या रहा है भाई भाई थोड़ा ध्यान से लगा के समझो तो सही नोटबुक में तो बनाओ तो आपको ये समझ आएगा कि दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है ठीके? तो इसलिए मैं लेफ्ट टू राइट करूं राइट टू लेफ्ट करूं इस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे मैं कर देता हूँ फिर बताता हूँ करके सिक्स सेवन दोनों का दोनों का सेम नाम है एफ पी डी सब सेम है वो सब नहीं जैसे मैं आपको करके दिखाऊं तो सिक्स वाले का नाम क्या है सेम ही है ना एक बार देख लेते हैं गलत ना बोल रहा हूं six वाले का नाम है देखो सिक्स प्रिंसिपल क्लास टीचर तो ये मेरे भाई क्लास टीचर है ये प्रिंसिपल चेन है उस क्लास तो सिक्स पे वन वन टू ट्राइमिथाइल ब्यूटाइल बढ़िया क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है सेवन पे क्या हो रहा है क्या आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे देखिए वन टू थ्री फोर सेम ही तो हो रहा है सेम ही तो हो रहा है ना मेरे भाई ये है देखिए ये बन के आ जाएगा आपके पास उसके बाद ट्वेल्व मेंबर्ड है तो डो डेकेन देखिए एक चीज लॉजिकली समझो एक चीज लॉजिकली समझो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सिर्फ मिथाइल होता और ये भी सिर्फ मिथाइल होता या इथाइल होता दोनों के दोनों इथाइल मिथाइल मिथाइल होते तो क्या आप सिक्स मिथाइल सेवन मिथाइल लिखते नहीं ना आप तो ये लिखते ना सिक्स कॉमर सेवन डाई मिथाइल बिकॉज एस्थेटिक्स मैटर समझ आ रहा है नहीं आ रहा है इसलिए इसका नाम पहली बात जो हमने लिखा है वो गलत है वो गलत है उसके बाद आपके दिमाग में आएगा ठीक है हमें समझ आ गया कि आप क्या बोल रहे हो सब पहले ये तो समझ आया ना कि सबको मैं क्या बोल रहा हूं तो ये गलत तरीका हो गया फिर आप बोलोगे ठीक है आपकी बात मुझे समझ आ रही है तो आपके हिसाब से मतलब जो आप बोल रहे हो कि जो सही तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए सिक्स कॉमर सेवन डाई डाई मतलब दो बार है ना एंड डो इन मैं बोलूंगा मेरे भाई ये भी गलत है ये दोनों गलत तरीके नीचे वाले तो समझ आ गए ऊपर वाला क्यों गलत है वो समझना बिकॉज एस्थेटिक्स आप यूज नहीं करते हो फिल्टर्स इंस्टाग्राम पे स्नैपचैट पे स्नैपचैट तो मैं वैसे यूज नहीं करता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जाम्पल ठीक है फिर आप डालते भी हो नो फिल्टर्स इतने सारे फिल्टर्स लगाने के बाद बस वही है फिल्टर लगाना पड़ेगा होता क्या है लिखना मत इसको एक बार देख लो स्क्रीन के ऊपर इसको हम बोलते हैं द मल्टीप्लीकेशन रूल ये हो गया ऑफिशियल नेम ऑफिशियल नेम इसको मैं बोलता हूं एस्थेटिक रूल एक बार एस्थेटिक की स्पेलिंग भी देख लेना भाई एस्थेटिक रूल ठीक है जैसे जब भी बस कुछ भी नहीं है कूल cool लगना चाहिए मुझे तो कुछ भी कूल cool नहीं लगता है, इसमें ऐसे फर्जी बढ़ है लेकिन ऐसा होता है जैसे कभी भी डाई डाई साथ में आए तो टू इंटू टू हो रहा है ना इसलिए मल्टीप्लीकेशन टू इंटू टू इसलिए, इसलिए इसको मल्टीप्लीकेशन रूल बोलते हैं तो डाई डाई जब भी साथ में रहो हम वैसे नहीं करते हैं. हम पहले वाले को डाई को बदल बदल देते हैं बिस में इसमें बिस बी आई एस कुछ यहाँ पे जैसे ये तो मुझे मेरे उससे पता चलता ज्वेलर से कि बिस् क्या होता है तो जो यहाँ पे ज्वेलर की फैमिली से होंगे वो बिस् समझ रहे होंगे ध्यान से देखना बिस आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम डाई को बेस बोलते हैं जैसे प्लीज अंडरस्टैंड पहला वाला चेंज होता है दूसरा वाला मत कर देना जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता ट्राई ट्राई तो ये बन आ जाता क्रिस, क्रिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर होता आ, कुछ लोग सोच भी रहेंगे अगर ऐसा हुआ तो ट्राई ड्राई डाई नहीं है भाई सेम चीज होगी कुछ भी लगा लो जो भी पी एंड सी दिमाग में आ रही है अब जिसपे बच्चे खुश होते वो भी डाल देते टेट्रा एवं ट्राई तो टेट्रा बन जाता है टेट्रा किस ठीक है इस प्रकार से समझ आ रहा है तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा बिस फिर अंदर वाला डाई ट्रिस अंदर वाला ट्राई ट्रिस अंदर वाला डाई टेट्राकिस अंदर वाला ट्राई समझ आ रहा है तो मेरे भाई इसका नाम क्या होगा वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड कोई नहीं पढ़ाता ये सब अभी तो और चीजें आएंगी अभी तो रुको भाई वो तो खेल स्टार्ट हो रहा है 6, 7 पहला वाला डाई चेंज हो जाना चाहिए बिस में बिस उसके बाद सेम रहेगा वन वन टू प्राइमिथाइल समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं इसकी डीपी भी मिलेगी उसमें ढंग से करना आज ही दूंगा आज ही कल के अंदर मिल जाएगी आपको टेलीग्राम के ऊपर उसमें आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इसमें लिख लीजिए प्लीज जल्दी से आगे चलिए लिख लीजिए समझ आ गया नेक्स्ट नंबर एच लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट ट्राई करिए भाई जल्दी से ट्राई करिए भाई पॉज करके हम पानी पी के आते हैं अब बोलो भाई इतना आसान क्वेश्चन इतना लेट कैसे हो रहे क्लास में लेकिन <laughs> अगर आपने जो भी आंसर सोचा है वो गलत है करेक्ट आंसर है लेफ्ट टू राइट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इसमें अच्छे अच्छे निपट जाएंगे जब असली एग्जाम में आएगा अल्ट्रा एडवांस लेवल क्वेश्चन है ये जब भी आएगा अच्छे अच्छे निपट जाएंगे और ये रैंक फॉर्मिंग क्वेश्चन में से होगा समझना पहली बात क्या हमें ये समझ आ रहा है कि सिक्स पे इथाइल है में तो देख जितना साइड में कहीं ये तो आंख बंद करके होना चाहिए उसके बाद फाइव पे क्या है अभी एक्स एंड वाई सोचो अभी तक आपने समझ लिया कि नंबरिंग नहीं हुई है बिकॉज़ एफपीडी सेम आ रहा है ना तो कैसे करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल से करना पड़ेगा तो अभी के लिए एक्स एंड वाई मान लो बिकॉज़ अभी तक आपको अल्फाबेटिकल समझ नहीं आया इसमें तो 1 2 3 तो 5 पे क्या है 11 डाइमिथाइल अह प्रोपाइल बोले कि भाई ये भी सही है लेकिन इसमें वो कहां से आ गया अब देखना जब भी कॉम्प्लेक्स सब्सटीटेंट होता है मेरे भाई जब भी कॉम्प्लेक्स होता है तब उसका डाई ट्राई टेट्रा इन सब का कंसीडर किया जाता है जब भी इसको तो समझाऊंगा एग्जांपल लेके एक बार समझ लो पहले लिख लो जब भी कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट होता है नॉर्मल नहीं कॉम्प्लेक्स तब उसका डाई ट्राई कंसीडर किया जाता बोलोगे क्यों समझाइए देखो मैं कैसे सीक्वेंस में बढ़ाता हूं अब आपको समझ आएगा जैसे यहाँ पे देखना पिछले पेज पे देखना लिटरली यहां पे जो ये वाला ट्राई है ये वाले डाई से अलग है या टू बी वेरी एग्जैक्ट इससे अलग है बिकॉज जो हम इनिशियल देख रहे थे डाई ट्राई टेट्रा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ ग्रुप्स जैसे डाई मिथाइल मतलब दो ट्राई मिथाइल मतलब तीन जैसे यहां पे बिस बिस मतलब कि ये वाला ग्रुप दो बार है लेकिन यहां पे समझना यहां पे कोई बाहर डाई ट्राई नहीं लगा हुआ बाहर कि ये कि ये दिखाएगा कॉम्प्लेक्स दो बार है इसके नाम में ही नाम में ही डाई है जैसे एग्जाम्पल लेता तब तो तो समझ आएगा अभी नहीं आएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है सचिन तो लेट मी से मिस्टर सचिन Um, और कोई है मी से मिस्टर राहुल मिस्टर विराट द किंग कोहली फॉर एग्जाम्पल ठीक है ये सब है एक पार्टी में जा रहे हैं अब क्या हुआ उस पार्टी में दो और बंदे आ गए देख भाई खतरनाक है सीन तो वहां पे आ गया एम आर एफ ठीक है एंड साथ में लिटरली आर ओ एफ एल ठीक है, लिटरली रोलिंग। में आपके पास है एम एस डी मेरे भाई ध्यान से देखिए अब आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा तो यहां पे मिस्टर ये सब मैटर नहीं कर रहा था एस आर वी से वो घुस रहे थे जैसे मैंने आपको पहले बताया था री एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं लेकिन यहां पे क्या है इनके नाम में ही इनके नाम में ही एम आर है नाम में ही एम एस है देखो है ना मस्त एग्जाम्पल इनके नाम में ही एम आर है नाम में ही एम एस मतलब नाम में ही नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब है आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना अगर ये नाम कुछ ऐसा होता तो फाइव फॉर एग्जाम्पल बिस समझ आ रहा है तब ये बन जाता मिस्टर और ये बन जाता एम आर एफ फॉर एग्जाम्पल एम आर एफ लेकिन अब हमारे पास ये तो है नहीं अब हमारे पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिट्यूएंट है तो जब भी कॉम्प्लेक्स होता है 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 उसके नाम में पहले से MR है, पहले से से तो फिर हमें वो कंसीडर करना पड़ता है तो जब भी कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट होता है अल्फाबेटिकल रूल में मतलब डिक्शनरी जब भी हम बनाएंगे तो उसको लेना पड़ेगा तो इसका नाम इसलिए लेफ्ट टू राइट में जाएंगे हम सही नोम करते हुए ये बन के आ जाएगा फाइव है ना मजेदार है ना लेवल यानी वो बताइए अभी अभी भी है रुकिए अभी तो खत्म नहीं हुआ एंड उसके बाद टेन मेंबर है तो डेकेन देखो कितना भयंकर इग्नोर्ड रूल है कितना भयंकर इग्नोर रूल है लिख लीजिए भाई प्लीज लिख लीजिए प्लीज डीपी भी पक्का करनी है जो मिलेगी आज ठीक है अभी खेल खत्म नहीं हो डीपीपी में और भी बढ़िया है ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं ट्राई करिए इस क्वेश्चन को प्लीज ट्राई करिए पॉज करके इस क्वेश्चन को जल्दी से ओके वन सेकेंड हमारे पास कॉम्प्लेक्स एलकेन uh, का नॉमक है सबसे पहले मेन चेन हमें डिसाइड करनी पड़ेगी प्रिंसिपल चेन हमारे पास क्या बन के आ जाएगी स्किन आजकल बहुत ऑयली हो रही है कुछ पड़ेगा ओके okay, क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास कर दू मैं नंबरिंग डायरेक्टली ये बन जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन क्वेश्चन है 13. ये समझ आ गया why not this to this? FPD, two versus three हो रहा है वो जीत गया अच्छा वाई नॉट चेन होती है इलेवन पे क्या मिथाइल टेन पे क्या इथाइल नाइन पे क्या है देखो रिपोर्टिंग यहाँ से स्टार्ट होगी तो वन टू थ्री तो नाइन पे हमारे पास है 1, 1, 2. Please understand this. लिखे मत मिथाइल जाओगे फालतू। नाइन पे ये है नाइन पे ये है अच्छा और क्या है टू पे मिथाइल फोर पेल फाइव पे क्या है कॉम्प्लेक्स है यहां से स्टार्ट होगा वन टू थ्री तो फाइव पे वन कॉमा टू डाई मिथाइल तो, तो सबसे पहले क्या आएगा क्या इथाइल पहले आएगा या ये मिथाइल आएगा या ये आएगा सबसे पहले मेरे भाई ये आएगा समझ आ रहा है क्यों अभी बताया अभी फसाया लिटरली दो मिनट पहले फसाया गया आपको तो इसका एम आर एफ की तरह एम आर एफ की तरह इसका डी कंसीडर हो रहा है ना वेरी गुड पेन ओके तो ये हो गया उसके बाद ई आएगा ई कहां, कहां पे है फोर कॉमा टेन डाई इथाइल अच्छा यहाँ पे टी आएगा समझ आ रहा है टी डाई मतलब नॉट बिकॉज डाई टाई टेटर बिकॉज एम आर ओके उसके बाद हो गया फोर कॉमा टेन और मिथाइल वाला कहाँ है मिथाइल वाला हमारे पास है टू कॉमा इलेवन डाई मिथाइल उसके बाद ये आएगा एम के बाद टी आएगा इसलिए एम के बाद हमें टी लाना पड़ रहा है उसके बाद थर्टीन मेंबर्ड है तो ट्राइड एकेन है। ऐसे, थोड़ी में रिजल्ट लाते है ऐसे थोड़ी हर साल जो बेस्ट ऑनलाइन रिजल्ट है केमिस्ट्री का वो हम लोगों से आता है रीजन है उसके जो आपको दिख रहे हैं सिर्फ इस लेक्चर में नहीं हर लेक्चर में हर लेक्चर में ठीक है अच्छा भाई ये चुन से फॉर्मेलिटी वाले पी जो मैंने आपको दिया है प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन बता देना लाइक like कर देना वीडियो को यार और कुछ नहीं मांगता हूँ एक रुपया नहीं मांगा भाई लाइक like कर दिया करो यार ठीक है सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो साथ में शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ ठीक है उनको पता चले किस लेवल की पढ़ाई होती है एक्चुअल में जे एडवांस के लिए ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑल द बेस्ट टू एवरी जय हिंद बाय ऑल द बेस्ट